अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान राजमार्ग पहुंचे, जहां वे आध्यात्मिक संत रावतपुरा सरकार के चातुर्मास कार्यक्रम में शामिल हुए और पत्नी साधना सिंह के साथ संत रावतपुरा सरकार का आशीर्वाद लिया और उनके मार्गदर्शन में यज्ञ अनुष्ठान भी किया। नरसिंहपुर जिले की तेंदुखड़ा तहसील के राजमार्ग चौराहे स्थित श्रीलीला लॉन में चल रहे इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सपत्नीक पादुका का पूजन भी किया। इस कड़ी में सीएम ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए सरकार की ओर से हर संभव कोशिश की जा रही है। कोरोना को समाप्त करने के लिए प्रदेश सरकार हर स्तर पर इंतजाम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश के लगभग 17 जिलों में अल्प वर्षा हुई है, इससे निपटने के लिए सरकार अपनी तरफ से हर प्रयास कर रही है, लेकिन देवी कृपा भी जरूरी है। इस अवसर पर सीएम शिवराज के साथ प्रदेश के वन मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह, राज्यसभा सांसद और विधायक समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। रावतपुरा सरकार यहाँ चंद्रमास कर रहे हैं, आशीर्वाद लेने हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर रोक पाए और फिर से महामारी ना आ पाए। सरकार अपनी तरफ से सारे उपाय कर रही है, लेकिन गुरु का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा भी आवश्यक है। दूसरे अल्प वर्षा भी हुई है, कई जगह लगभग 17 जिलों में अल्प वर्षा की स्थिति है, तो सुवृष्टि हो अपनी तरफ से सरकार सारे प्रयास कर रही है, लेकिन देवी कृपा भी आवश्यक है। और अनेकों वर्षों से महाराज जी के दर्शन करता रहा हूं, आज भी यही आशीर्वाद मांगा।